नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के कुछ वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीकली करंट अफेयर डिस्कशन का वीकली शेड्यूल, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये हमारा जीएस की लाइव क्लासेस का शेड्यूल, जिसमें शाम को 3 बजे से 5 बजे तक स्टेट पीजीएस की क्लासेस चलती हैं, 6 से 8 के बीच में यूपीएससी की लाइव क्लासेस चलती हैं। आइए देख लेते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है, हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है बाइको त्यौहार, इसके बारे में देखेंगे। पर्सन एंड न्यूज एक है, इसको बार इसके देखेंगे। वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2022 अभी जारी हुआ है, इसको देखेंगे। और विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की लिस्ट जारी की गई है टाइम मैगजीन के द्वारा, इसको देखेंगे। और मार्तंड मंदिर मंदिर चर्चा में रहता है, इसको देखेंगे। तो ये चलते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर। हमारा आज का पहला टॉपिक है बाइको त्यौहार। यह त्यौहार असम राज्य में मुख्यतया मनाया जाता है, और इससे ये त्यौहार से रिलेटेड जनजाति है रभा जनजाति, ये याद रखिएगा। बाइको त्यौहार रभा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये रभा जनजाति कौन है? यह तिब्बत बर्मन समुदाय से संबंधित हैं, और यह निचले असम के गारो हिल्स में और पश्चिम बंगाल के दुआर क्षेत्र में निवास करते हैं। असम के गारो हिल्स श्रेणी में निवास करते हैं, और पश्चिम बंगाल के कुछ दुआर क्षेत्रों में ये निवास करते हैं रभा जनजाति। और यह कृषि आधारित समुदाय है, इनके बारे में इतनी जानकारी याद रखिएगा। यह कृषि आधारित समुदाय है, असम के गारो हिल्स में निवास करते हैं, और ये तिब्बतो बर्मन समुदाय से संबंधित हैं। और बाइको त्यौहार किस लिए मनाया जाता है? यह अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी फसल की कामना से यह मनाया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी फसल की कामना से बाइको त्यौहार मनाया जाता है। इसमें ये इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, यह असम में मनाया जाता है, रभा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और रभा जनजाति तिब्बत बर्मन समुदाय से संबंधित है, और यह निचले असम के गारो हिल्स और पश्चिम बंगाल के दुआर क्षेत्र में है, जो कि एक कृषि आधारित समुदाय है। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है एक पर्सन इन न्यूज में छत्रपति संभाजी महाराज, इनको महाराष्ट्र या इनको ये न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम बदलने का मंजूरी दी है। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा, और उस्मानाबाद है, उस्मानाबाद को धारा शिव के नाम से जाना जाएगा। अभी देखते हैं छत्रपति संभाजी ये हैं कौन। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, और ये मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। पहले शासक शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, और दूसरे शासक उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी। इनका शासनकाल 1657 से 1689 तक रहा। औरंगाबाद को मूल रूप से खड़की कहा जाता था, ये याद रखिएगा। औरंगाबाद को मूल रूप से खड़की कहा जाता था, इसलिए कि यूपीएससी में इस बार कुछ शहरों को, जैसे इराक को पहले पिछले मतलब प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन नामों के लिस्ट में पूछा गया था, आप इसको भी याद रखिएगा। औरंगाबाद को पहले प्राचीन समय पर खड़की कहा जाता था, और औरंगाबाद मलिक अंबर ने बसाया था 1610 में, और जब औरंगजेब का वहां पे शासन हो गया, औरंगजेब ने उसे अपना केंद्र बना लिया, तो उसे औरंगाबाद कर दिया गया, खिड़की को औरंगाबाद कर दिया गया, आप ये याद रखिएगा। औरंगाबाद को खड़की कहा जाता था। इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि संभाजी महाराज ने कुछ बुक्स लिखी हैं, उसमें से एक है बुद्ध भूषण राजनीति, यह संस्कृत काव्य है, एक संस्कृत ग्रंथ है बुद्ध भूषण राजनीति। और 3 बुक हैं जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, नायिका भेद, नखशिख और 7 शतक, इनको आप याद रखिएगा। ये जरूर पूछ सकता है इनकी किताबों के नाम, क्योंकि कोई महान शासक जब कोई बुक्स वगैरह लिखते हैं और थोड़ा हट के, जैसे ये मराठी हैं, संभाजी महाराज मराठी हैं, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा में ये 3 किताबें लिखी हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। यूपीएससी अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। बुद्ध भूषण राजनीति संस्कृत में है, नायिका भेद, नखशिख और 7 शतक यह ब्रज भाषा में है।
आइए अपने आज के तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। तीसरा टॉपिक है वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022। इसे कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है और यह 117 अर्थव्यवस्थाओं को इंक्लूड करता है। उन्हीं में उनके मतलब यात्रा और पर्यटन संबंधी क्या सुविधाएं हैं उनका आकलन करता है। यह पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं के टिकाऊ तथा लचीले विकास को सक्षम करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की पहचान करता है। कुल मिला के यही कह रहा है कि वहाँ पे यात्रा और पर्यटन संबंधी कितना विकास हो चुका है, कितनी सुविधाएं हैं, उन कारकों को पहचान करके फिर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। इस रैंकिंग में भारत का स्थान 54 है। 117 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 54 है और जापान का स्थान पहला है। ये याद रखिएगा, जापान पहले स्थान पर है, भारत 54वें स्थान पर है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022 के अनुसार इसका जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। आपको ये चार फैक्ट याद रखने हैं। अगला टॉपिक है टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 में विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में भारत के दो स्थानों को शामिल किया है। पहला है अहमदाबाद, दूसरा है केरल। ये दो स्थान विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में है। यह सूची टाइम मैगजीन जारी करता है और यह 2022 के लिए है। अहमदाबाद के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यह भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है। अहमदाबाद भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है। ऐसा शहर मतलब ऐसा पहला शहर है जिसे विश्व धरोहर के लिस्ट में शामिल किया गया है। पूरा का पूरा शहर ही विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। आगे हम देखेंगे इस शहर में क्या क्या खासियत है। अहमदाबाद को पहले आशा भील की आशावल, करण देव की कर्णावती और जैन धर्म की राजधानी राजनगर के रूप में जाना जाता था। इसके नाम भी आपको याद रखना है, प्राचीन नाम है ये। अहमदाबाद को पहले आशावल, कर्णावती और राजनगर, इन तीनों नामों से जाना जाता रहा है प्राचीन काल में। ये भी रिलेटेड लोगों को याद रखिएगा, आशा भील की आशावल, कर्ण देव की कर्णावती और जैन धर्म की राजधानी के रूप में राजनगर के रूप में ये जाना जाता था अहमदाबाद शहर। अब ये अहमदाबाद कब हुआ? जब सुल्तान अहमद शाह का शासन था तब इसने अहमदाबाद शहर बसाई। यही जो आशावल कर्णावती के आसपास से किला बनवा दिया उसे ही अहमदाबाद शहर इन लोग ऐसे ही करते थे, नाम दे देते थे अपना, और ये 15वीं शताब्दी में बनवाया। अब देखते हैं अहमदाबाद में प्रसिद्ध क्या है। भद्र किला, अहमदाबाद में भद्र किला प्रसिद्ध है और फोर्ट सिटी की दीवारें और द्वार प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा, भद्र किला कहाँ अवस्थित है? यह अहमदाबाद में अवस्थित है। भद्र किला अहमदाबाद में अवस्थित है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी इसको एक तो ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, दूसरा टाइम मैगजीन ने भी अहमदाबाद को शामिल किया है विश्व की 50 सबसे फेमस शहरों में या की यात्रा के लिए। इसे टूरिज्म विकसित होता है लिस्ट जारी करने से। यहाँ की इमारती लकड़ी पर आधारित स्थापत्य कला का अत्यधिक महत्व है और यही इसकी विरासत का सबसे अनूठा पहलू है। यहाँ की लकड़ी, इमारती लकड़ी में जो नक्काशी की जाती है वही इसकी विरासत को अनूठा बनाता है। और केरल को क्यों शामिल किया गया है? केरल को आयुर्वेद और पर्यटन के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पे एक पर्यटन फेमस है, कारावैन। कारावैन एक पर्यटन फेमस है। कारावैन बेसिकली एक ऐसा व्हीकल होता है जिसमें संपूर्ण सुविधाएं होती हैं, रहने, खाने, सोने, उठने, बैठने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसे कारावैन कहते हैं। और इससे रिलेटेड ही पर्यटन कारावैन टूरिज्म केरल में बहुत फेमस हो रहा है इस समय पर। और आयुर्वेद, ये तो आप जानते ही हैं, केरल आयुर्वेद का हब है और वहाँ पे अन्य पर्यटन भी जैसे बीचेज हैं केरल में, समुद्री किनारे हैं, समुद्री पश्च जल भूमि भी है, इन सभी चीज़ों के लिए केरल फेमस है। हमारा अगला टॉपिक है मार्तंड मंदिर। मार्तंड मंदिर अक्सर न्यूज में रहता है। इसको न्यूज में रहने का कारण क्योंकि यह कश्मीर में अवस्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य द्वारा करवाया गया था। मार्तंड मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। कारकोट राजवंश के शासक थे ललितादित्य। नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ललितादित्य।
इनको ललितादित्य मुक्ता पीठ भी आप कई बार न्यूज में सुनते होंगे। इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कल्हाण द्वारा रचित एक ग्रंथ है राज तरंगणी, इसमें ललितादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। और राज तरंगणी को कश्मीरी राजाओं का लिखित ब्यौरा राज तरंगणी में है। इसे कश्मीरी राजाओं का बेसिकली आप वंशावली कह सकते हैं, कश्मीरी राजाओं की वंशावली कह सकते हैं राज तरंगणी को। और ललितादित्य मुक्तापीठ कारकोट राजवंश के हैं, ये याद रखिएगा। इनका टाइम पीरियड 724 से 761 ईस्वी तक है। कारकोट राजवंश ललितादित्य मुक्तापीठ 8वीं शताब्दी में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था और इसे ग्रीक पैटर्न में बनवाया गया था, चूना पत्थर और स्तंभों के संयोजन से। और यह वर्ग क्षेत्र में बनाया गया एक मंदिर है। और अभी इसका अस्तित्व मतलब इसे सिर्फ अवशेष ही हैं, इसे पुनर्निर्माण की योजना चल रही है। और उसमें न्यूज में अभी इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक कोई पूजन का आयोजन किया गया था, इसीलिए यह चर्चा में था। और 15वीं शताब्दी में एक मुस्लिम शासक था सिकंदर बुतशिकन, इसने इसको छुड़वा दिया था। सिकंदर बुतशिकन, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि बुतशिकन के नाम से किसको जाना जाता है, तो यह सिकंदर बुतशिकन का मतलब इनका नाम ही है इसका, मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति तोड़ने वाला। इन लोगों का मुख्य पेशा ही था कि यही किसी दूसरे के धर्म क्षेत्र में जाओ, उनकी मूर्तियों को तबाह कर दो, इसी को वो अपनी उपलब्धि मानते थे। क्या करें, बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे ना। इसका नाम आप याद रखिएगा, सिकंदर बुतशिकन ने मार्तंड सूर्य मंदिर को तोड़वाया, मार्तंड मंदिर को तोड़वाया सिकंदर बुतशिकन ने 15वीं शताब्दी में। हाँ यार, जितने ही टॉपिक थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जितने भी हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यूपीएससी प्री 2023 के लिए। कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।